सन 2015 में कायम शुदा कर्नाटका सर्वोदय पार्टी स्वराज इंडिया पार्टी से बाहर निकलकर आने वाले रियासती असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेकर अपनी ताकत आजमाना चाहती है। सर्वोदय पार्टी के लीडरान का कहना है कि वो जय किसान के नारे के साथ बीजेपी के झूठ के महल को गिराने और मनी व मसल पावर व जात पात की सियासत को नाकाम करने व किसानों व मजलूमों को इंसाफ दिलाने के इरादे से सियासी मैदान में उतरे हैं। पहला एमएलए इस पार्टी का केस पुटन था। हमको इधर जो मेलकोटे और मंडा में और दूसरे जगह में जीत हासिल करने का चांसेस है, उसलिए हम जरूर चुनाव लड़ना है, उसलिए हम फिर सर्वोदय कर्नाटक पार्टी को रीलॉन्च कर रहे हैं। हमारा स्ट्रेंथ जो है किसान संगठन है, कर्नाटक राज्य रईत संघ हमारा साथ है, दलित संगठन हमारा साथ है, महिला संगठन हमारा साथ है और कुछ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा साथ है। मेरा नाम झांसी लक्ष्मी रानी, मेरा पिता फ्रीडम फाइटर कृष्णमाचार्य इज विथ इन विथ गांधी एंड केसी रेड्डी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक। आपको सबको पता है राजकारण कैसा चल रहा है कि मनी एंड दैट कैस्ट जाति और इकोनॉमिक मीन्स चल रहा है, वो किसानों का बहुत नेग्लेक्ट कर दिया सब बीजेपी। वो देखा है ना, वो कितना झूठ बोलता है, झूठों में वो महल बनाता है ना, वो देख सभी देखा है। दिल्ली में किसान भाई एक साल मोर देन 700 पीपल आर सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स दे देखे। अब कर्नाटका में किसानों का शक्ति मिलकर लड़ रहे हैं। हमारा इरादा भारत का किसानों का सुवर्ण वर्ष अभी लाना है। वो लाल बहादुर शास्त्री बोलता है ना कि जय किसान जय जवान, हमारा जय किसान के किसान बेटों की बनाता है ना जय जवान, इसीलिए हम जय किसान जय किसान जय किसान। सर्वोदय पार्टी के अहदेदारान ने ईटीवी भारत को बताया कि उनके साथ किसानों की एक बड़ी ताकत, दलित समाज, महिलाओं व स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का साथ व सपोर्ट हासिल है और वो इस कुव्वत के साथ बरसरे इक्तदार भारतीय जनता पार्टी की करप्ट व कम्युनल हुकूमत को इक्तदार से उखाड़ फेंकने और आवाम को साफ सुथरी गवर्नेंस देने के लिए जद्दोजहद करेंगे। आवर सीएम इज टू फाइट अगेंस्ट द करप्शन एंड अगेंस्ट द करप्शन एंड मेक ए क्लीन फॉर द डेमोक्रेसी against communal forces and corruption and also we need to give clean governance. Yeah, ये common man जो है including farmers बहुत मुश्किल में जी रहे हैं। भ्रष्टाचार तो इसका गरिमा छू चुका है, 40% से लेकर 50% एवरी कामगारी में गए तो समझ लीजिए अराउंड 30,000 crores to 40,000 crores का भ्रष्टाचार वी कैन कैलकुलेट, समझ लीजिए। ऐसा सरकारों को उखाड़ फेंकना है जो मनी से मजल पावर से जो सरकार चलाता है ना, ये सरकारों को उखाड़ फेंकना है। विचारों का सरकार बनाना है, जो कॉमन मैन का मुद्दा उठाता है उसका सरकार बनाना है। हमारा कॉमन मैन का मुद्दा है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए कॉमन मैन, हमारा मुद्दा है, यही सर्वोदय कर्नाटक का मुद्दा है। इसी मुद्दे से हम लड़ रहे हैं, इसी मुद्दे से हम ये विधानसभा पकड़ेंगे एक ना एक दिन। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक चप्पार की रिपोर्ट।